सत श्री अकाल सांझी सोर टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का मेरे यानी पूनम दे वल्लों बहुत बहुत स्वागत है। तुसीं वेख रहे हो देश दुनिया दीआं अहम खबरां। तां रुक करदे आं अज दी पहली खबर बारे। अग्निपथ योजना के विरोध दरमियान फौज के अग्निवीर के तौर पर भर्ती लई हजारां नौजवान सामने आए हैं। भारतीय हवाई फौज का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय हवाई फौज के भर्ती लई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के चार दिनों के अंदर 94,281 अर्जियां प्राप्त हुई हैं। इस योजना का ऐलान 14 जून को किया गया सी, जिस तों बाद लगभग एक हफ्ते तक कई सूबों के हिंसक प्रदर्शन भी होए ते कई विरोधी पार्टियां इस नूं वापस लैण की मांग कर रही हैं। सरकार ने कहा है कि योजना तहत 17.5 साल तो 21 साल की उम्र के विचकार के नौजवानों 4 साल के कार्यकाल फौज के शामिल किया जाएगा तो उन्होंने 25 फीसदी बाद रेगुलर सेवा के शामिल किया जाएगा। विधानसभा के बजट इजलास की कार्रवाई के दौरान केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा हो गया। विधानसभा के कांग्रेसी आगू प्रताप सिंह बाजवा के वालों यह मुद्दा चुकया गया। कहा गया है कि इस संबंधी विधानसभा के मता पास होना चाहिए। इस योजना का मुख्यमंत्री भगवंत मान के वालों सख्त विरोध किया गया। उन्होंने कहा है कि यह एक भावनात्मक मुद्दा है। उन्होंने भी कहा है कि यह कानून के सख्त खिलाफ है। भगवंत मान ने कहा है कि केंद्र दी योजनावां नौजवानों नाल धोखा कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सहमति इस मुद्दे के लिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ असी विधानसभा के मता लेके आवांगे। भगवंत मान ने कहा है कि अजिहे कानून नहीं पास होने चाहिए तो इन्हों के खिलाफ देश की हर विधानसभा के मुद्दा पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के लंबुआ कोतवाली खेत्र के मंगलवार सवेरे वाराणसी लखनऊ हाईवे से एक मिनी बस के खड्ड के डिगण नाल ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है तो 9 होर लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है। उन्होंने दस्सिया कि लखनऊ तो एक लाश लैके अंतिम संस्कार लिए वाराणसी जा रही मिनी बस मंगलवार सवेरे लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग से लंबुआ कोतवाली खेत्र के पटखोली पिंड के कोल रस्ते के अचानक बल की लपेट में आने नाल पलट गई है। पुलिस ने दसिया कि बस ड्राइवर समेत 11 लोग सवार सन, जिन्हां च लखनऊ के दीनदयाल नगर के रहन वाले रजिंदर अवस्थी, बहराचिल जिले के जरवाल थाना अधीन करमुलापुर निवासी ओमकार नाथ यादव की मौके पर मौत हो गई है तो 9 होर लोग जख्मी हो गए ने। एक दिन के कोरोना के 11,793 नवे मामले सामने आने नाल पीड़ितों की गिनती बढ़ के 4,34,18,839 हो गई है। उत्थे ही इलाज अधीन मरीजों की गिनती बढ़ के 96,700 ते पहुँच गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के वालों मंगलवार सवेरे जारी अंकड़ों के अनुसार देश के संक्रमण नाल 27 होर लोगों की मौके पर मौत तो बाद मृतकों की गिनती जो है बढ़ के 5,25,047 हो गई है। देश के कोरोना के इलाज अधीन मरीजों की गिनती बढ़ के 96,700 तो हो गई है, जो कुल मामलों का 0.22% है। पिछले 24 घंटों के इलाज अधीन मरीजों की गिनती 2,290 का वाधा होया। अमेरिका के भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत अमेरिका संबंधों की संभावनावां समझते हैं तो उन्होंने दोवां देशों दरमियान विश्वास बनाने के अहम भूमिका निभाई है। संधू ने कोविड-19 ग्लोबल महामारी के बावजूद पिछले साल दोवां देशों के विचाले $160 बिलियन के रिकॉर्ड दुवाले व्यापार की शलाघा की है। उन्होंने ऐतवार को शिकागो के एक समारोह के दौरान कहा है कि 1.4 बिलियन नागरिकों के मुखी होने के नाते साडे प्रधानमंत्री ने सानू सारयां नूं वड्डे सुपने लैण लई उत्साहित किया है। पंजाब विच नवी एक्साइज पॉलिसी नूं लैके सूबा सरकार नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे वल्लों वड्डा झटका लगा। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार दी एक्साइज पॉलिसी दे खिलाफ दायर पटीशनां दी अज सुनवाई कीती है। अदालत ने सुनवाई तो बाद शराब दे ठेकियां दी अलाटमेंट ते रोक लगा दी है। इस दे नाल ही अदालत ने पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी करदिआं 5 जुलाई तक इस मामले संबंधी स्टे लगा दी है। पंजाब सरकार दे वल्लों हाल ही दे विच जारी कीती गई एक्साइज पॉलिसी 2022-23 नूं 4 लोगों ने पंजाब दे हरियाणा हाई कोर्ट दे विच पटीशन दाखिल करके चुनौती दी सी। हाई कोर्ट दी रजिस्ट्री दे विच सारियां पटीशनां मंजूर कर लईआं गईआं ने, जिन्हां दे मंगलवार नूं इकट्ठियां सुनवाई होएगी। इन्हां पटीशनां दे विच दोष लगाए गए ने कि नवीं एक्साइज पॉलिसी राहीं पंजाब दे विच शराब कारोबार दे विच मोनोपली नूं बढ़ावा दित्ता गया है, जिस नाल छोटे शराब कारोबारियों नुकसान होएगा।
फ्लोरिडा के एक मोटल दे विच 8 साल एक बच्चे ने एतवार नूं गलती नाल गोलियां चला दित्तियां जिस नाल एक साल की बच्ची की मौके ते मौत हो गई है ते 2 साल की बच्ची जो है वह गंभीर रूप में जख्मी हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। बच्चे के पिता ने बंदूक नूं अपने पोंसा कोला मोटल के कमरे की अलमारी दे विच लुको के रखा सी। एस्केम्बिया काउंटी के शेरिफ चिप सिमंस ने सोमवार को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के विच कहा है कि जिवें ही बच्चे के पिता कमरे के विचों बाहर निकले उन्होंने बेटे ने बंदूक लभ ली ते गोलियां चला दित्तियां जिस दे नाल एक बच्ची की मौके ते मौत हो गई है ते एक होर बच्ची जो है वह जख्मी हो गई है। पंजाब के वख-वख शहरां दे विच मंगलवार सवेरे भूचाल के झटके महसूस किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूचाल सवेरे 10:04 आया है जिसकी तीव्रता 3.9 तीव्रता जी दसी जा रही है। अजे तक किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है पर पंजाब दे विच महसूस किए गए भूचाल का केंद्र पाकिस्तान के लाहौर तो 18 किलोमीटर दूर का दसिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब के वख-वख शहरां दे विच सवेरे 10:04 भूचाल के झटके जो ने महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता ज़्यादा नहीं सी पर यह एक बार एक व्यक्ति नूं हिला देण लई काफी सी। कणक एक्सपोर्ट ते हाली दे विच पाबंदी लगाने तों बाद खास करके पछमी देशां दे वल्लों आलोचना दा सामना करे भारत ने एक ग्लोबल मंच नूं दस्सिया है कि उसने पाबंदी दे दौरान भी खुराक सहायता लई 18 लाख टन कणक एक्सपोर्ट कीती है। कणक एक्सपोर्ट ते हाली दे विच पाबंदी लगाने तों बाद खास करके पछमी देशां दे वल्लों आलोचना दा सामना करे भारत ने एक ग्लोबल मंच नूं दस्सिया है कि उसने पाबंदी दे दौरान भी खुराक सहायता लई 18 लाख टन कणक एक्सपोर्ट कीती है। भारतीय टीम आयरलैंड खिलाफ खेडी जा रही 2 मैचों की T20 सीरीज से दूजे ते आखिरी मैच दे विच जीतन दे इरादे नाल अज रात खेडण लई मैदान ते उतरेगी। भारत ने पहला मैच जीत के 1-0 की बढ़त बना ली सी। दूजा मैच जीत के सीरीज ते कब्जा करन दे नाल नाल ही टीम आयरलैंड नूं क्लीन स्वीप करना चाहेगी। कप्तानी दे विच भारतीय टीम पहली बार T20 सीरीज खेड रही है। मैच दे विच मीह पैण दी भी संभावना है ते पिछला मैच भी मीह करके पूरा नहीं सी खेडिया जा सकया जिस दे विच भारत ने शानदार जीत प्राप्त की सी। यह तो सन अज के देश दुनिया दी खास खबरां। जे तुसी होर नवीं ते ताज़ियां खबरां देखना ते सुनना चाहते हो तो जुड़े रहो साडे चैनल सांझी सो टीवी दे नाल। इस दे नाल ही मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।